सुपेला थाना पुलिस ने नाबालिगों के साथ लेकर चोरी करने वाले आरोपी नंद किशोर चौहान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरातों को बरामद किया है, साथ ही चोरी की रकम से खरीदे गए मोबाइल और पलंग को भी जब्त किया है। अपने नाबालिग बच्चों के साथ चोरी करने वाले सुपेला निवासी आरोपी नंद किशोर चौहान को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए के जेवरातों को बरामद किया गया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, सीएसपी नासिर सिद्दीकी के मार्गदर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम, बरामदगी और धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक रिक्शा चालक द्वारा लगातार शराब पार्टी के साथ कीमती मोबाइल और पलंग खरीदा गया है। इस पर पुलिस द्वारा गोपनीय ढंग से जांच करते हुए विधिवत नाबालिगों से पूछताछ करने पर चोरी की घटना का खुलासा हो सका। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने नाबालिगों के साथ चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये प्रार्थी पवन सेन की रिपोर्ट पर पिछले माह की 28 तारीख को पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था चोरी का। चोरी में हुआ ये था कि उनके जो भीमनगर करके जो जगह है वहाँ पर उनकी घर है, उनका घर है, उस मकान पे अज्ञात चोर के द्वारा देर रात में कुछ अज्ञात चोर घुसकर उनके घर की अलमारी से कुछ सोने चांदी के जेवरात वगैरह चोरी कर लिए थे। चोरी करने के बाद पे लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा था अपराध दर्ज करने के उपरांत पे आसपास में, क्योंकि स्लम एरिया है, फुटेज वगैरह अपने को मिल नहीं पाए थे। फिर भी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के लिए मुखबिर लगाए हुए थे और मुखबिर से सूचना मिलने पर एक नंद किशोर नाम के आदमी को, जो कि काफ़ी खर्चे कर रहा था, कुछ नए सामान ले रहा था, मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के पैसों से ही वो ये सब सामान ले रहा है। ये सूचना पर उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ किए तो पता चला कि इस चोरी के घटना में वो विदेशी संघर्षरत बालक सम्मिलित हैं। उन बालकों को परिरुद्ध करके जब पूछताछ किया तो पूछताछ में बालकों ने पूरे घटनाक्रम को स्वीकारते हुए चोरी के जो पूरे माल थे, जो सोना चांदी जेवरात करीब 3.5 लाख रुपए से ऊपर का सामान था, और जो कैश से जो सामान खरीदे थे, ये लोग बैट खरीदे थे और मोबाइल वगैरह खरीदे थे, सारा कुछ पुलिस ने बरामद करके जब्त किया है और धारा सदर की तहत में मान्य धारा प्रस्तुत किया है। बहरहाल आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, रजनीकांत दीवान, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, विशाल सिंह, कपिल चौधरी, सुरेंद्र पटेल की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।